नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में इंडिया गठबंधन ने दिखाया दमखम। मणिपुर की घटना पर केंद्र पर जमकर नारेबाजी की खबर। झारखंड के धनबाद में मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में आई एनडीआईए गठबंधन का विरोध मार्च धनबाद में असरदार रहा। कांग्रेस, झामुमो, जदयू, राजद, आप समेत कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। गठबंधन से जुड़े कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार को खरी खूटी सुनाने वाले झामुमो कांग्रेस के नेताओं से जब झारखंड में आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं यहां की खराब विधि व्यवस्था पर सवाल किया गया। आइए जानते हैं डॉक्टर संतोष कुमार राय ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। हरकत किया गया है आदिवासियों पर, इस पर जो वहाँ के ब्लैक सरकार मुख्यमंत्री सरकार जो हमारे केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इतना बड़ा घटना होने के बाद एक शब्द भी नहीं बोला ना नारी के ऊपर। जब वो गद्दी संभाले थे जब प्रधानमंत्री बने तो बोला और हम देश के बाद नहीं होने देंगे। आज पूरा जनता देख रही है मुझे कार्यकलाप पर कहीं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी वास्तविकता तो बोल रहे हैं। आज हमारे आदिवासी दलित शोषित लोगों के लिए जो ये सरकार का जो सोच था वो नहीं है, वो हमारे हमेशा विरोध करते हैं। ये आदिवासी क्या नहीं रह सकते हैं पूरे राज्य में। आज हम ईटा से लेकर एक मकान से लेकर जितना भी काम करेंगे तो हमारे आदिवासी दलित शोषित ही काम करते हैं और उसका जीविका अधिकार नहीं है। क्या उसको शोषित किया जाए? वो निराह है, निर्बुद्धि है। उसका अगर बुद्धि नहीं है तो क्या इसका मतलब उसको अत्याचार किया जाए? आप देखेंगे आज अगर यहाँ कुछ भी अगर ऐसा होता है अत्याचार महिलाओं पर तो पूरा खून खोलता है। लेकिन उनको एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनको वहाँ के मुख्यमंत्री को निर्देश देना चाहिए कि पूरा जांच करना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री है 83 दिनों के बात भी ये नहीं समझते रहे। एक चीज़ बताइए, तो नहीं है वो अपना अभी नौजवान है, खाली वो 32 के लड़के खाली बोल रहे हैं कि अपना एक समुदाय के लेकर चल रहे हैं। ये कतई नहीं है, पूरा इंडिया पूरा झारखंड हमारे सर्वदलीय लोगों के लिए है। यहाँ आप देखेंगे झारखंड में कितना अमान शक्ति है। बहुत से लोग जो यहाँ से अलग होने के बाद भी झारखंड में रहे, क्या हम लोग कभी भेदभाव किए? झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं, सबको एक समान चलने का काम किया, रहने का काम किया, बिजनेस करने का दिया और यहाँ अमन चैन से रह रहा। और ये कुछ लोग अगर इस तरह का मीटिंग कुछ भीड़ जुटा देते हैं और भाषण देते हैं कि ये सरकार ठीक नहीं है, टीम की मंशा ठीक नहीं है, हम पूरा झारखंड में पूरा लोग एक साथ रह सकते हैं, बस सकते हैं। यहाँ के लोगों को अपमान ना करें, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों को अपमान ना करें, ठीक ढंग से रहे, प्रेम भाव से रहे और एक सुनहरा झारखंड को बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री का सहयोग। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हिंदुस्तान सन से अपना सर चढ़ाया हुआ है। आज इंडिया महागठबंधन के बैनर तले आज पूरा राज्य पूरा देश आज जन आक्रोश का रैली लेकर के सड़क पर उतरा हुआ है। आज 3 महीने से मणिपुर में जो घटना घटी है उस पर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई। हमारा देश जो महिला सुरक्षा, महिला मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा के लिए ही हमारे देश को माना जाता है, जाना जाता है, आज उस देश में महिलाओं को नंगा करके, निर्वस्त्र करके, बलात्कार करके, कैन रैप करके सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, परेड कराया जा रहा है, इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है। ये भाजपा की सरकार ने ये स्थिति पैदा की गई है, जानबूझकर ये स्थिति को पैदा की गई है। समुदायों को लड़ाना, जात जात को लड़ाना, दो समुदायों को दो गुटों को लड़ाना, ये इतनी राजनीतिक स्तर पर भाजपा उतर चुकी है कि किसी की जितना भी निंदा की जाए वो गलत है। इसलिए महिला असुरक्षा को लेकर के मणिपुर में जो घटना घटी है, हम सारी महिला का ये मांग है कि मणिपुर की सरकार को सिर्फ बर्खास्त ही नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री को शीघ्र हिरासत में ली जाए और वहाँ की सरकार को बर्खास्त की जाए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू की जाए और नरेंद्र मोदी जी मीडिया के सामने आकर के देश से क्षमा मांगे और वो ये स्वीकार करें कि उनसे देश नहीं संभल रहा है, क्योंकि आज देश की सारी महिला का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। आज महिला असुरक्षित महसूस कर रही है, कहीं भी हिंसा होता है, कहीं भी इस प्रकार की घटना घटती है तो वहाँ पे महिलाओं को शिकार बनाया जाता है, महिलाओं को वहाँ पे मरमाहत होना पड़ता है। ऐसा अत्याचार हम महिलाओं पर करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नारा लेकर देश में आए थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा महिला इस देश में असुरक्षित है। इसलिए महागठबंधन के बैनर तले हम लोग ये आक्रोश रैली निकाले हैं।
करने का आज ये संकल्प भी लेते हैं। जो है ये कार्यक्रम आप लोग की जान है, मणिपुर में आने लगा हुआ है, खास करके जो भी सोशल मीडिया यात्रा से पूजा या यात्रा से पूजा है पूजा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ का सरकार जो है जो पहला काम करता है वहाँ छोटा करती है, कल्लापन की काम करता है, जो वहाँ का यहाँ बड़ा घटना हुआ उसके बाद भी सरकार मजबूत है, उसके लिए आइए जिंदा बड़ा बात है। और उसी को लेकर हम लोग घर चल के आए हैं और हो सकता है आगे चलकर और इसके लिए आंदोलन करना पड़े, जबरदस्त हम लोग आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम लोग हरदम आगे हैं और आगे रहेंगे। और हम लोग का यही की है इसका सजा मिलना चाहिए, जो भी किया है उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का आदिवास का शोषण हम लोग का बर्दाश्त बाहर है, इसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहिए। जय हिंद। तो कुछ मणिपुर वाला देखिए, आज जो इंडिया महागठबंधन के तहत जो हम लोग यहाँ आज आक्रोश में महिलाओं को जो दिखाते हैं मणिपुर सरकार के लिए, हम माननीय जो कि है राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी से यही दरखास्त करेंगे कि जल्द से जल्द उनको जो कि है बर्खास्त किया जाए। हम लोग महिलाओं को बहुत मतलब हम लोग आहत हुए हैं, बहुत हम लोग जो कि है अपना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए दोबारा जो कि है महिलाओं को तरफ से हम यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है मणिपुर सरकार को गद्दी से उतारा जाए। ऐसी घटना जो घटना हुई और निंदनीय हुई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? घटना निंदनीय ही नहीं बल्कि ये मानव जाति का जो इतिहास है उसके उसका ये सबसे काला घटना है, ये अभूतपूर्व है। इस ये मानव जाति के खिलाफ में, मानवता के खिलाफ में और स्त्री जाति के खिलाफ में तो है। सर आज आप लोगों का प्रोग्राम रैली निकाले गए हैं, सर किन किन पार्टियों को लेके रैली निकाली गई है? जो इंडिया का गठन हुआ, इंडिया को जमीन पर उतारने के लिए आज का यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और मोदी शासन का जो फैसिज्म है, फैसिज्म का जो तरीका है, जन विरोधी जो उनका रवैया है, जो महिला के खिलाफ में, लोकतंत्र के खिलाफ में और संविधान को जो फाइट करने की जो उनकी नीतियां हैं उनके खिलाफ में आज ये विरोध प्रदर्शन है। हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार के तानाशाही को हाथ देने का हम लोग आह्वान करते हैं और ये संकल्प है। इसका आप लोग का जो यहाँ मंदिर बनवा चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी दें लोगों को। देखिए हम लोग आज इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट होकर ये जो भ्रष्ट सरकार है, बड़बोला सरकार है, मनमौजी जो सरकार है उसके अगेंस्ट में जो पूरे अभी पूरे भारतवर्ष में तो हर जगह आ रहा है, लेकिन अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जो अभी मणिपुर का मुद्दा है, उसको ले लोग एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर जो गठबंधन का उन लोग का जो एनडीए का जो सरकार है, उन लोग अपना जुमला का सरकार है और स्मृति ईरानी शर्म नहीं है, इन लोग सब बेशर्म है। और जो महिलाओं पर कोई ना सब उन लोग अपना चर्चा ही नहीं करना चाहती है, महिलाओं को बोलना नहीं चाहती है, इतनी बेशर्म हो गई है, सिर्फ खाली जुमला कर रही है। आज उन लोग को शर्म लगना चाहिए, आज आना चाहिए, सामने बोलना चाहिए कि आज यहाँ पर मणिपुर के आज महिलाओं को आज नग्न घुमाया जा रहा है। और अपनी यदि आज बहू और बेटी बहन होती तो क्या ऐसा करता क्या? आज उसी लिए उन लोग को शर्म कैसे होगा, नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कैसे करेगा भाई, क्योंकि इन लोग का माँ और बेटी पे दर्द नहीं है, सिर्फ माँ और बेटी पे इन लोग राजनीति करता है। माँ को लाइन में लगा देते हैं और बीबी को छोड़ देते हैं, यही लोग सिर्फ इन लोग जुमलाबाजी करते हैं। आज जब अपना स्मृति ईरानी जी को अपना बेटी के बारे में आया तो बेटी के बारे में पूरा बोलने लगी। आज जब वहाँ पर महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, आज महिला पर बोलने के लिए क्यों नहीं आ रही है?
आज मुंह में सेलो टेप फटा हुआ है, सर में लगा बेशर्म कहीं का। और महिला यहाँ बीजेपी के जितनी मंत्री और हैं और विधायक हैं, सबको सर में लगना चाहिए कि आज महिला पर आप लोग राजनीति करते हैं। और मणिपुर के यदि दोषियों को यदि अत्याचार वहाँ पर वो लोग बंद नहीं किए, आप लोग वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो खुद बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर 3 महीना से नहीं, वहाँ पर बहुत दिनों से ऐसा होते रहा है, ऐसा कांड हो रहा है, ना जाने कितना कांड हो रहा है। लेकिन यदि दोषियों को हम लोग यही मांग करेंगे, पूरा इंडिया का हम लोग जो गठबंधन है, कि दोषियों को फांसी दो और जो देश को जलने से बचाओ, यही बोलकर सभी को हमारे जो मणिपुर की घटना घटी है पूरा देश को झकझोर कर रख दिया है। और उस मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस ढंग से बलात्कार हुआ, जिस ढंग से दुराचार हुआ, उसके बाद भी प्रधानमंत्री लोकसभा में बहस करने के लिए तैयार नहीं है, उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष को अपनी ताकत के बल पर, शासन के बल पर कुछ चलना चाहते हैं, इसलिए पूरा देश जल रहा है उस मामले पर, करा रहा देश की आम महिलाएं करा रही है, उसी को लेकर के आज हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन के लोग, पूरा ये मुख्यालय को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जितने भी संगठन है, सब लोग मिलकर करके हम लोग आज अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक का ये रैली? परिषद मैदान से निकल कर करके आज हम रणधीर वर्मा चौक पर हम लोग विशाल प्रदर्शन हम लोग करेंगे। यहाँ धरना भी है क्या? नहीं, इस प्रदर्शन कर सकते हैं, भाषण सब लोग उद्बोधन कर बहुत ही गलत हो रहा है। इसमें मैं क्या मांग करूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जो अहमद पटेल जी हैं, इसने बयान भी दिए हैं जिसका संसाधन बहुत जल्द किया जाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। और हमारे प्रधानमंत्री क्या और कहां तक आप लोग इस रैली को निकाले हैं? आज हमारा इंडिया गठबंधन आकर के हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मणिपुर के जो विभत्स घटना है उसको लेकर के। और केंद्र सरकार के हम लोग बहुत बहुत निंदा करते हैं कि सब से केंद्र सरकार को डूब मरनी चाहिए और ये मणिपुर में जो तानाशाही नीति बनाया हुआ है उस नीति को चेंज करना चाहिए। इसी को डायरेक्ट आलम टीम के साथ धर्मांतरा में प्रदर्शन कर रही है। अभी जो मणिपुर वाला जो वीडियो, अभी जैसे अभी बताया कि 50 दिन के बाद वायरल हुआ था, कहाँ तक ये वीडियो छुपाने का तथ्य है थोड़ा बताएं? कहीं ना कहीं ये मणिपुर सरकार की लापरवाही है जो हम आदिवासियों के साथ इस तरह का घटना घट रही है, और जानते हैं भी वो लापरवाही करके कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ तो भाजपा सरकार अक्सर बोला करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ धरातल में बेटी बचाओ नहीं बेटी मराओ की जैसा काम हो रहा है। कहीं ना कहीं एक बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, नंगा करके रोड में दौड़ाया जाता है, तो क्या मणिपुर की सरकार अभी भी जेल लगा के सोई हुई है? अगर आ रहा है बात 50 दिन के बाद भी जो वायरल होता है, इसका कमजोरी क्या है? सरकार की कमजोरी है। और आज हम लोग ये इंडिया महागठबंधन के बैनर के तहत आज धन्यवाद के रणधीर वर्मा चौक में जो धरना प्रदर्शन किए हैं, कहीं ना कहीं ये आक्रोश रैली भी है, दर्शन भी है। और हम लोग इस प्रशासन मीडिया के तहत यही कहना चाहेंगे, या मोदी सरकार को ये चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, कभी भी वो होश में आ जाए, अभी भी जो अन्याय हो रहा है उन विरोधियों को सजा देने का काम करें, और नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। और हम लोग सारा मेला रोड पे उतर चुके हैं और तैयार हैं 2024 में भाजपा हटाओ और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का काम। आपका नाम और पद? मेरा नाम श्रीमती मीना है, महिला मोर्चा।